साथियों, शादा प्रणाम। मैं शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय परिषद ग्वालियर में खड़ा हूँ, वहाँ का बाथरूम पहले आपने देखा होगा और अब आप देख रहे होंगे, इसमें गंदगी थी। हमारी बेटी, हमारी पोती किस तरीके से वो यहाँ पे बाथरूम में जाती होगी। ये हालात जो है, हम सबको मिलके बदलने पड़ेंगे। और मैं आज जिलाधीश से और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों से बात करूंगा कि इन हमारे विद्यालयों के टॉयलेट साफ रहने चाहिए, जिससे हमारा बेटा बेटी इन स्कूलों में पढ़ सके। अगर उसे बाथरूम जाना है तो वो जा सके। और ये सरकार तो अपना दायित्व निभाएगी, पर हम सब का भी दायित्व है। मैं अपने सभी पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सम्मानीय साथियों से, चुने हुए पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षदों से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक एक विद्यालय की निगरानी करना शुरू करें और वहाँ के सफाई कर्मचारियों से चर्चा कर इन बाथरूमों को सफाई नियमित रूप से हो, यह सुनिश्चित करें। सभी को मेरा प्रणाम।